कर्नाटक सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने समूह सी और डी श्रेणियों में कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों में 100% आरक्षण समेत कई विधायकों को मंजूरी दे दी है। राज्यवासियों को 100% आरक्षण देने वाले इस विधेयक को लेकर खुद मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मिया ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक राज्य के सभी निजी औद्योगों में सी और डी श्रेणी के पदों के लिए 100% कन्नड़ भाषी लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधि विभाग के सूत्रों के मुताबिक विधायक विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कन्नड़ समर्थक है और कन्नड़ लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां और अवसर देने के लिए ऐसा कर रही है। कैबिनेट की बैठक ने राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों के लिए 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विशेष विधेयक को मंजूरी दी। हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित ना होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के लिए कल्याण की देखभाल करना है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उद्यमी किरण मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, टेक हब के दौर पर हमें कुशल प्रतिभा की जरूरत है, जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को नौकरी प्रदान करना है। हमें इस कदम से टेक्नोलॉजी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी चेतावनियां होनी चाहिए जो ज्यादा कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दे। वहीं किरण मजूमदार के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मोहनदास पई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये भेदभावपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के विरुद्ध है। क्या ये सरकार प्रमाणित करेगी कि हम कौन हैं? ये एनिमल फार्म जैसी फांसीवादी विधेयक है, अविश्वसनीय है। आखिर इस तरह का विधेयक कैसे लाया जा सकता है? एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा, लोगों को भाषा की परीक्षा देनी होगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और कांग्रेस को भी टैग किया।